धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिलाकर संयम की अवस्था बनती है और इन तीनों के द्वारा ही चित्त को वश में किया जा सकता है। जब तुम धारणा और ध्यान की ओर प्रस्थान करोगे तो चित्त में विक्षेप का उदय होगा और विक्षेप से मुक्ति के लिए तुम्हें चित्त को एक स्थान पर स्थिर करने का प्रयत्न करना होगा। उसके लिए किसी पदार्थ विशेष या देश विशेष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। योग में देश के दो अर्थ हैं कन्या। देश आपके शरीर के भीतर भी अवस्थित होता है, भूमध्य अर्थात ललाट के मध्य, नासिका का अग्रभाग, हृदय और नाभि। यह हमारे शरीर में स्थित देश है। इसके अतिरिक्त गुरु, देवी देवता की मूर्ति, प्रज्वलित दीपशिखा, किसी योगी का शरीर, ओमकार जैसी ध्वनि के आलंबनों को भी योग में देश कहते हैं। चित्त को किसी पदार्थ या देश विशेष में केंद्रित करने की प्रक्रिया धारणा है, क्योंकि तुम जिस पे मन एकाग्र करो, मन उसके गुण और उसका आकार धारण कर लेता। चित्त यदि अशांत हो, अशुद्ध हो, तो इस प्रक्रिया से उसमें शांति और शुद्धता का भाव स्थापित हो जाता है। यही एक सर्वोत्तम मार्ग है कन्या, चित्त शुद्धि का। पदार्थ विशेष या देश विशेष का चिंतन करते हो, चित्त तद्रुप हो जाए तो वह ध्यान है। पूर्ण ध्यान की अवस्था में तुम्हें केवल पदार्थ या देश विशेष का बोध रहेगा और कोई भी विचार, कोई भी चिंता तुम्हारे मन में स्थान नहीं पाएगी। चित्त की अवस्था धारणा से आरंभ होकर ध्यान की अवस्था से आगे बढ़ते हुए समाधि में जाकर पूर्णता को प्राप्त होती है। जब साधक को मैं की अनुभूति ना रहे और ये भी अनुभूति ना रहे कि कुछ अनुभव किया जा रहा है, जब वो परम शून्य में विलीन हो जाए और इस विलीनता का उसे आभास भी ना हो, तो ये परम समाधि की अवस्था होती है। श्वास दर्शन। उचित मुद्रा में बैठो कन्या और नेत्र बंद करो और सबसे पहले अपने ध्यान को श्वास के साथ यात्रा करने दो। श्वास जब तुम्हारी नासिका में प्रवेश करे उसे भूलो मत कन्या, उसके साथ विचरण करो। ये कहां जा रही है, तुम्हें कहां स्पर्श कर रही है। जब श्वास का अस्तित्व तुम्हें हर क्षण ज्ञात रहे तो धीरे से नेत्र खोलो और सब कुछ भूल कर धारणा और ध्यान की ओर अग्रसर हो जाओ।